एवरीवन, आई एम बैक विद न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इज मजल गुड फॉर योर डॉग एंड व्हेन टू यूज द मजल एंड विच मजल इज बेस्ट फॉर योर डॉग। मैं तो बड़ी के लिए ये वाला मजल लाया था और मैं उसका रीजन भी आपको बताऊँगा क्यों मैं इस टाइप का मजल लाया हूँ उसके लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बड़ी भी अंदर है रूम में, मैं उसको निकालता हूँ उसके रूम से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यस, मैंने बड़ी का रूम खोल दिया है। बड़ी बाहर आ गई है। पहले भी बड़ी शू शू कर लेने दीजिए। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको अभी ये मजल दिखाया था, तो ये मजल क्लॉथ मजल है जो कि मैं बड़ी के लिए लाया था। बड़ी ने आज तक से इसको एक या दो बार यूज़ किया होगा। और आप अपने डॉग को कैसे मजल के लिए ट्रेन कर सकते हो, अगर आप जैसे पहनाओगे पहली बार तो आपका डॉग इतने आसानी से नहीं पहनेगा। तो बड़ी तो भी दिक्कत होती है, बड़ी भी नहीं पहनता। और मैं बड़ी लेट क्यों लाया था, मैं उसका रीज़न भी आपको बताऊंगा। सो एक मिनट, मैं यहाँ पे कैमरा सेटअप कर देता हूँ और मैं बड़ी को वहाँ से पकड़ के मजल पहना देता हूँ। बड़ी सो आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है, ये जो बड़ा वाला साइड है ये बड़ी के मुंह के नीचे आना चाहिए, आपके डॉट के नीचे। और जो छोटा है ना, बड़ी डर गया। और ये जो छोटा ऊपर वाला साइड है ये ऊपर की तरफ नोज के ऊपर। सो ये बटल वाला है, तो मैंने इसकी बटल पहले खोल दिया। सॉरी गड्डू, हाँ गड्डू। ये बड़ी तो देखिए, तो आपने डॉट को मजल पहना लिया और इसके नेक के पीछे आपको ये बटल टाइट कर देना है। और फिर जैसा कि आप जैसा भी आप चाहो आप इसकी गर्दन पे टाइट कर दीजिए। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने बड़ी को मजल पहना दी है। इससे बड़ी का मुंह देख लिए आप, उंगली एक डाल के देख सकते हो तो बड़ी का मुंह अभी भी खुल सकता है और नाक उसकी पूरी बाहर है, तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन आप किसी भी डॉट का मुंह बंद कर रहे हो, आप अपना भी डॉट तभी कोई आपका मुंह बंद कर दे तो दिक्कत होगी। सो अभी आप देख सकते हो बड़ी कैसे बिहेव कर रहा है। सो यस, ओके ओके बड़ी, भैया उतार देना। सो ये आप देख सकते हो। तो ऐसे में आपका डॉग परेशान होएगा स्टार्टिंग में जब पहली बार पहनेगा। बड़ी ने भी अभी 1-1.5 महीने बाद इसको पहना है, तो बड़ी भी परेशान हो रहा है। हाँ, तो ये सब ये रिलैक्स फील कर रहे हैं, मैंने इसका मजल उतार दिया है। सो यस, बड़ी को मजल नहीं पसंद और किसी भी डॉग को मजल नहीं पसंद होगा। हाँ, और मैं आपको अब इस मजल के यूजेस बताता हूँ। सो पहली बार अगर आपका डॉग एग्रेसिव है, तो जब आप उसको रोड पे भी लेते जाओ और इतना एग्रेसिव उसको टाटे, तो आपको मजल यूज करना चाहिए। लेकिन उसके लिए फिर आप इस टाइप का मजल ना ही प्रेफर करिएगा, इससे थोड़ा बढ़िया मजल प्रेफर आप करिएगा जो प्लास्टिक का आता हो या फाइबर का आता हो, जो जल्दी ना टूटे या खराब ना हो। ये जो मजल होता है मैं बड़ी के लाया था, जैसे कि अगर मुझे कभी जब मैं इसको ई रिक्शा में ट्रैवल अप करवाता हूँ तब ये डॉज के ऊपर बढ़ता है, डॉज जैसे पीछे आ जाते हैं, तब मैं इसके मुंह के ऊपर लगा के जाऊँ। या मैं इसको कभी कभी ऐसे भी इस्तेमाल करता हूँ, जैसे इसने कभी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसने मैंने गड्ढा फाड़ दिया जिस गड्ढे पे सोता है, तो मैं इसके मुंह के ऊपर सिर्फ ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट के लिए मजल पहना देता हूँ। उससे होता ये है कि इसको पता चलता है इसने कुछ गलती करी है। तो आप एज अ पनिशमेंट भी इस मजल को यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए मैं एक सस्ता सा टिकाऊ सा एक ये मजल लाया था। ये भी ना इतनी ख़राब क्वालिटी का नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का, बढ़िया क्लॉथ का है। सो यस, एक मिनट में अपनी लाइट ऑन कर लेता हूँ, फ्लैश लाइट। उन्होंने वीडियो उन्होंने उधर
राइड 130 येड़ाबड़ी। सो यस, और वैसे आप तो अपने डॉग को मजेल के बिना ही रखना चाहिए, वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। कभी आप उसको वैक्सीनेशन करवा रहे हो तब मजेल लगाने की जरूरत पड़ती है डॉक्टर, तो तब लगा लीजिए, है ना बड्डू, है ना प्यारा सा बड्डू। सो यस, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में बस आपको यही समझाना चाहता था कि मजेल क्यों आपके डॉग के लिए इम्पोर्टेंट है और क्यों आपको मजल का यूज करना चाहिए और कब करना चाहिए। सो यस, लेकिन अगर आपने मजल ज्यादा भी पहनाते हो तो भी आपका डॉग एग्रेसिव हो सकता है। तो व्हेन नीडेड तभी यूज करिएगा जब जरूरत पड़े। ऐसे ही अपने शॉर्ट के लिए मत यूज करिएगा, या दूसरे को दिखाने के लिए मेरा डॉग एग्रेसिव है मत यूज करिएगा। तो ये देख लिया, सूर शासन कर रहे हैं, कौन सा आसन होता है पता नहीं। चलो ओके, सो आज वीडियो में इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, दिस इज बड़ी द लैब्राडोर। और मैंने आज चेक किया कि बहुत लोग हैं जो मेरी वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन मैं उसमें सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब करो भैया। ओके, सो बाय बाय बड़ी, बाय कह दो अभी वो ईटो से। सो यस, बीच में टट हो गया था, अभी वो बाय नहीं कह रहे, कोई बात नहीं, बाय बाय।